फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लिम्फैटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फैटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है एंड इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। कैसे? जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टरीज, देन वेन्स। इन आर्टरीज, वेन्स, इन ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसी तरह से लिम्फैटिक सिस्टम भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। कैसे? क्योंकि लिम्फैटिक सिस्टम में भी लिम्फैटिक वेसल्स होती हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फैटिक वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर भी एक फ्लूइड फ्लो करता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? लिम्फ। तो लिम्फैटिक सिस्टम में क्या आता है? लिम्फैटिक वेसल्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती लिम्फैटिक वेसल्स, कॉर्निया ऑफ द आई में प्रेजेंट नहीं होती, हमारी बोन्स में प्रेजेंट नहीं होती, और हमारी जो सुपरफिशियल स्किन है उसमें प्रेजेंट नहीं होती। सो ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी में ये लिम्फैटिक वेसल्स लिम्फ को सर्कुलेट करवाती हैं। इसलिए लिम्फैटिक सिस्टम एक पार्ट है किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का, एंड इम्यून सिस्टम का भी ये एक पार्ट है। कैसे? लिम्फैटिक सिस्टम में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेल्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? जब भी कोई फॉरेन एंटीजन इनको मिलता है, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको किल करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स इस तरह से इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए लिम्फैटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लिम्फैटिक सिस्टम क्या है? इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स। ये क्या है? बहुत वास्ट नेटवर्क है। ये हमारी पूरी बॉडी, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में ये नेटवर्क फैला हुआ है। और एंड ये कौन सी वेसल्स बनाते हैं? लिम्फैटिक वेसल्स, थ्रू विच लिम्फ ड्रेन्स। इन वेसल्स में क्या फ्लो करता है? लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यूज इन टू द ब्लड। एंड ये लिम्फ कहाँ से ड्रेन होता है? टिश्यूज से। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। ये क्या है? आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर टिश्यूज तक लेकर जाती हैं। ये आर्टरीज सबसे पहले लार्ज आर्टरी होती है। लार्ज आर्टरी देन फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर आर्टीरियोल्स में, देन ये आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज जो है, स्मॉलर कैपिलरीज, ये किसके पास जाती है? हमारे सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, ताकि ये टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स दे सकें, जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि सेल्स को चाहिए। ये क्या है हमारी? ये है कैपिलरी। ये आर्टीरियल एंड है कैपिलरी का, मीन्स ये आर्टरी से डिवाइड हुई है कैपिलरीज, जो कि टिश्यूज के पास जाती हैं। अब हमें पता है कि जो कैपिलरीज हैं, आर्टीरियल कैपिलरीज हैं, ये किसके साथ मिल जाती हैं? वेन्स के साथ, और वेन्स के भी किससे? कैपिलरीज से। ये वेन्स की जो कैपिलरीज है, ये देन जॉइन होकर क्या बनाती है? वेन्यूल्स। देन वेन्यूल्स जॉइन होकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल वेन। इस तरह से वर्क करता है। आर्टीरियल एंड कैपिलरी का वो है जो आर्टरीज से कैपिलरी निकली है, एंड वेनस एंड ऑफ कैपिलरी वो है जो वेन्स की कैपिलरीज हैं। अब क्या होता है? ये है हमारे सेल्स। ये कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जहां पर हमारे टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ये टिश्यूज और सेल्स के पास जाती है, यानी हमारी जो भी पूरी बॉडी है उसके पास जाती है, उनके सेल्स के पास जाती है। ये भी हमारे पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है। ये है सेल्स। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। एंड इन सेल्स के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को क्या कहती है? टिश्यू स्पेस या फिर इंटरस्टीशियल स्पेस। टिश्यूज के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस या फिर टिश्यू स्पेस। अब ये है आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, जो कि ब्लड को लेकर आई है हार्ट से। इन सेल्स को अब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। क्या होता है एवरी डे? अब इस जो आर्टरीज हैं, इनमें क्या क्या फ्लो करता है? एक तो ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं और प्लाज्मा फ्लो करता है। एवरी डे क्या होता है? 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड 20 लीटर्स फ्लूइड
ब्लड वेसल से, इस कैपिलरी एंड से लीक होता है कहां पर? टिश्यू स्पेस में। सो ये फ्लूइड लीक होता है कहां पर? जाता है टिश्यूज तक, राइट? सो ये टिश्यूज तक जाता है, तो ये टिश्यू स्पेस में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो ये जो आर्टेरियल एंड है कैपिलरीज का, इसमें क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। सो इस ब्लड में क्या क्या फ्लो होता है? ब्लड में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। सो जो लार्जर ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वो इसी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो इससे लीक नहीं होते। सो क्यों नहीं लीक होते? प्लस एक तो जो आर्टेरियल कैपिलरीज होती हैं, ये होती तो सिंगल सेल थिक ही हैं, सिंगल सेल थिक होती है ये, इनमें एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसको बोलते हैं एंडोथीलियम, वन सेल थिक होती है ये, बट ये इतनी ज्यादा परमिएबल नहीं होती कि इनसे लार्जर मॉलिक्यूल भी पास हो सके। सो जो लार्जर प्रोटीन्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वो इसी ब्लड वेसल, इसी कैपिलरी में रहते हैं। बाकी जो स्मॉलर प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड कई न्यूट्रिएंट्स जो कि सेल्स को जिसकी ज़रूरत है, वो यहाँ पर लीक होता है। सो इन इंटरस्टिशियल स्पेस में जो 20 लीटर फ्लूइड है, वो एवरी डे लीक होता है किससे? ब्लड आर्टरी से या फिर कैपिलरी से। सो ये जो फ्लूइड यहाँ पर लीक हुआ है टिश्यू स्पेसेस में, इसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड, राइट? सो अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये सेल्स को इनकी जरूरत है। सो सेल्स क्या करेंगे? इनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सेल डेब्रिस। सेल डेब्रिस क्या होता है? कुछ भी डैमेज सेल्स हैं, जो सेल का वेस्ट है, वो भी इसी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो सेल्स ने फॉर्म किए हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, सो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस फ्लूइड में। एंड कुछ बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन्स, सो ये भी इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। अगर टिश्यूज में कोई भी इंफेक्शन है, तो ये जो बैक्टीरिया या वायरस है, एंटीजन्स, ये भी इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। सो हमें पता लगा कि 20 लीटर्स फ्लूइड इस आर्टरीज की जो कैपिलरी एंड है, यहां से लीक होता रहता है, सीप आउट होता रहता है एवरी डे। इसमें से जो 17 लीटर्स फ्लूइड है, वो कैपिलरी के वेनस एंड पे रिटर्न हो जाता है। सो ये जो फ्लूइड है 20 लीटर में से 17 लीटर वो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है, वापस जो वेनस एंड है कैपिलरी का, उसमें आ जाता है। सो ये जो बचा हुआ है, अब 20 में से 17 लीटर जो है वो वेनस एंड में वापस रिटर्न हो गया, लेकिन बचा कितना? 3 लीटर अभी भी रिमेनिंग है। सो ये 3 लीटर अगर इसी टिश्यू स्पेसेस में रह गया, तो क्या होगा? ये 3 लीटर फ्लूइड यहां पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन कर देगा, वाटर लॉजिंग कर देगा। सो यहां पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा टिश्यूज में। सो फर्स्ट थिंग, ये अगर ये 3 लीटर फ्लूइड रिटर्न नहीं होता, सेकेंड थिंग, ब्लड में से जो निकला था वो था 20 लीटर फ्लूइड एंड वापस हुआ 17 लीटर, तो ब्लड का वॉल्यूम भी फॉल हो गया। सो अगर ब्लड वॉल्यूम फॉल हो गया, तो हार्ट भी फेल हो जाएगा, इसलिए ये 3 लीटर फ्लूइड वापस सर्कुलेशन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर ये जो टिश्यू स्पेस है, यहाँ पर एक और कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिनको कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। सो ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज है, जो कि किससे निकली है? लिम्फेटिक वेसल से। सो लिम्फेटिक वेसल्स डिवाइड होकर क्या बनाती है? लिम्फ कैपिलरीज। सो ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। सो लिम्फ कैपिलरीज का अब यहां पर क्या काम है? ये जो 3 लीटर फ्लूइड बचा है, 20 लीटर लीक हुआ था आर्टरीज में से, 17 लीटर वेन में रिटर्न हो गया, जो 3 लीटर फ्लूइड टिश्यू स्पेस में बच गया है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट कर लेंगी। जब ये लिम्फ कैपिलरीज टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करेंगी, तब उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ। सो इस लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है? सेल डेब्रिस, जो सेल का वेस्ट है, वो प्रेजेंट है। कुछ स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि सर्कुलेशन में वापस जाने जरूरी है। कुछ प्रोटीन्स एंड कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज लिम्फ। सो लिम्फ क्या है? क्लियर फ्लूइड।
फ्लूइड है जिसमें सेल का वेस्ट प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर इंफेक्शन है सेल्स में सो टिश्यू स्पेसिस में क्या प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया या वायरस, सो वो बैक्टीरिया और वायरस को भी कलेक्ट कर लेती है लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ के थ्रू. सो लिम्फ कैपिलरीज का क्या काम है, ये जो 3% एक्सेस फ्लूइड है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इसको ये कलेक्ट कर लेगी. सो लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फ वेसल्स. सो ये लिम्फ वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में. ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करती हैं, हर टिश्यू से जो एक्सेस फ्लूइड है उसको कलेक्ट कर लेती हैं एंड देन किस में मर्ज हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स में. लिम्फेटिक वेसल्स भी हमारी पूरी बॉडी से जो लिम्फ है उसको लेकर जाती है टुवर्ड्स द थॉरेक्स. नाउ ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये क्या है, मोर परमिएबल है. इनकी जो वॉल है वो आर्टरीज या वेन्स से ज़्यादा परमिएबल है. तो इनकी वॉल्स परमिएबल क्यों हैं, आर्टरीज भी वन सेल थिक होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज की भी स्ट्रक्चर सेम ही है, वन सेल थिक होता है, लेकिन जो लिम्फ है उनमें ये ओवरलैपिंग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये सेल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में प्रेजेंट है. सो ये ओवरलैपिंग सेल्स के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है, इस वजह से लिम्फ कैपिलरीज क्या है, ज़्यादा परमिएबल है. ज़्यादा परमिएबल होने का ये भी रीज़न है कि जो प्रोटीन्स जो ज़रूरी है सेल्स के लिए, जो सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है, सर्कुलेशन में ऑनकोटिक प्रेशर के लिए ज़रूरी है एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी है एंड कुछ बैक्टीरिया वायरस जिनका साइज बड़ा है वो लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ के थ्रू कलेक्ट हो जाए, इसलिए इसका स्पेस जो है ज़्यादा बड़ा है. अब ये बैक्टीरिया और वायरस को कलेक्ट करके कहाँ पर लेकर जाएगी, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी से जो वेस्ट है उसको लेकर आ रही है. अब इन लिम्फेटिक वेसल में कुछ लिम्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो फ्लूइड, जो लिम्फ की तरह एक फ्लूइड कलेक्ट हुआ है लिम्फेटिक कैपिलरीज में उसको फिल्टर करते हैं. सो जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसको किल करते हैं. सो आगे हम वो पढ़ेंगे कि कैसे होता है. सो ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट कि कैसे लिम्फ बनता है एंड लिम्फ कैपिलरीज कैसे उनको कलेक्ट करती हैं. सो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, फर्स्ट थिंग है लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स. सो लिम्फेटिक वेसल्स कैसे बनती हैं, टिश्यूज के पास क्या होती हैं, जो टिश्यू स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ कैपिलरीज. ये लिम्फ कैपिलरीज बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ को कलेक्ट करती हैं एंड देन एक सिंगल क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स. सो लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारी होती है क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज हैं सेल्स हैं. सो सबसे लिम्फेटिक कैपिलरीज आ रही है एंड क्या बना रही है, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स. सो ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती हैं. इन लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ है वो इस तरह से फ्लो करता है, अपवर्ड टूवर्ड्स द थॉरेक्स फ्लो करता है लिम्फ एंड ये वापस नीचे की तरफ नहीं आता क्योंकि यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. ये वॉल्स क्या करते हैं, ये लिम्फ को बैक फ्लो नहीं होने देते क्योंकि लिम्फ ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की तरफ बैक फ्लो हो सकता है, उसको प्रिवेंट कर रही है ये वॉल्स. सो ये वॉल्स क्या इंश्योर करती है कि जो लिम्फ है वो हमारा थॉरेक्स की तरफ ही मूव करे, एक वन डायरेक्शन में मूव करे अपवर्ड. प्लस इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये बीट कैसे करती हैं, ये लिम्फ को आगे कैसे पुश करती हैं, इनमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लिम्फ आगे की तरफ पुश होता है. प्लस ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये किन से घिरी होती हैं, साथ में आर्टरीज प्रेजेंट हैं, वेन्स प्रेजेंट है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी रन कर रही हैं जैसे आर्टरीज और वेन्स हमारी पूरी बॉडी में रन कर रही हैं. तो ये साइड बाय साइड रन कर रही हैं. जब आर्टरीज या वेन्स पल्सेट होती हैं, जब उनमें बीटिंग होती है, जब वो पल्स फील होती है, पल्सेट करती हैं आर्टरीज, तब ये भी बीट होती हैं साथ साथ उनकी पल्सेशन के कारण. तो इसलिए भी लिम्फ इनमें आगे मूव होता है. तो लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ऑल टुगेदर किसमें अपना लिम्फ छोड़ती है, वेन्स में. सो कौन सी वेन्स में छोड़ती है, सबक्लेवियन वेन में. सबक्लेवियन वेन देन हार्ट में जाती है एंड इस तरह से जो लिम्फ है टिश्यू से वापस किसमें आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में. सो ये लाइन उसको जस्टिफाई कर रही है, नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स थ्रू विच लिम्फ ड्रेन्स. सो लिम्फ कहाँ से ड्रेन हुआ, फ्रॉम टिश्यू. टिश्यू से लिम्फ ड्रेन होकर कहाँ गया, लिम्फ कैपिलरीज में इन टू द ब्लड. सो लिम्फ कैपिलरीज फर्दर लिम्फेटिक वेसल्स बनाई एंड लिम्फेटिक वेसल्स ने वेन्स में लिम्फ छोड़ा और वेन्स देन हार्ट में मर्ज हुई. सो हार्ट में जब वो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो लिम्फ है वो कहाँ चला गया, दोबारा से सर्कुलेशन में, दोबारा से ब्लड में. अब लिम्फेटिक वेसल आपको फर्स्ट क्लियर हो गया कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या है. अब लिम्फ क्या है, ये जो 3% टिश्यू फ्लूइड है, जो एक्सेस फ्लूइड है
वो लिम्फ कैपिलरीज रिसीव करती हैं। ये लिम्फ कैसा होता है, क्लियर होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स तो नहीं प्रेजेंट होते लेकिन लिम्फोसाइट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। सो लिम्फ क्लियर। देन है लिम्फ ऑर्गन्स। सो लिम्फेटिक सिस्टम में और क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लिम्फ ऑर्गन्स कैसे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी है, सो लिम्फ ऑर्गन्स हम इससे कंसर्न करेंगे, हम इसको कनेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम से। सो लिम्फ ऑर्गन्स क्या करती है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। कैसे, इन लिम्फ ऑर्गन्स में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। सो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, मैच्योर करता है, या फिर लिम्फोसाइट्स इनमें रहते हैं। सो लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, इम्यून सिस्टम का काम है, क्योंकि वो जो भी फॉरेन एंटीजन है उसको किल करता है। सो लिम्फ ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो ये लिम्फ यहाँ से लिया उसको फिल्टर कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं प्रेजेंट। सो लिम्फ ऑर्गन्स का क्या काम है, ये जो 3% एक्सेस फ्लूइड है उसको रिसीव किया और देखा कि कहीं हमारे जो टिश्यूज हैं या ब्लड है उसमें बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं प्रेजेंट। सो इनका ये काम है फिल्टर करना। सो प्राइमरी ऑर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस। सो प्राइमरी ऑर्गन वो होंगे जहां पर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे एंड मैच्योर होंगे। सो बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बी फॉर बोन मैरो। सो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं एंड वहीं मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस तो बोन मैरो में होते हैं लेकिन थाइमस, जो हमारी थाइमस है वहां पर जाते हैं एंड वहां पर ये मैच्योर होते हैं। सो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन थाइमस में होती है। सो बोन मैरो को हमने लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन इसलिए लिया है क्योंकि बोन मैरो में एक्चुअली जो लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए बोन मैरो को लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन माना गया है, प्राइमरी ऑर्गन। सो जो थाइमस ग्लैंड है उसमें टी सेल्स मैच्योर होते हैं एंड बी एंड टी सेल्स दोनों प्रोड्यूस कहां होते हैं, बोन मैरो में। नाउ अब ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस एंड मैच्योर हुए थे, ये कहां पर आ जाएंगे, सेकेंडरी ऑर्गन्स में। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। सो लिम्फ नोड्स क्या है, सो ये क्या है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये हमारी पूरी बॉडी में रन कर रही है। इन लिम्फेटिक वेसल्स पर क्या प्रेजेंट होती है, नोड्स। जैसे एक रस्सी को अगर हम टाई कर दें तो वहां पर एक गांठ बन जाएगी, उसको कहते हैं नोड। सो ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में बहुत सारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, कुछ रीजन्स में हमारे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, कुछ में कम प्रेजेंट होती हैं। सो ये क्या है, लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स किससे बनी है, लिम्फोइड टिश्यू से बनी है। सो लिम्फोइड टिश्यू से बनी है, इसका मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। सो लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है, जो भी लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो कर रहा है उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देते हैं और जो भी लिम्फ में बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है उसको किल कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्लस लिम्फ में अगर कोई सेल डेब्रिस प्रेजेंट है जो कि डैमेज सेल या सेल डेथ किसी की हुई है तो उन सेल को क्या करती है, ये फिल्टर कर देती है। सो लिम्फ नोड्स का मेनली काम क्या है, फिल्टर करना लिम्फ को। देन सेकेंड है स्प्लीन। सो स्प्लीन हमारे बॉडी में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। सो स्प्लीन भी इसी तरह से लिम्फ नोड्स के जैसा ही काम करती है। स्प्लीन क्या करती है, जो भी लिम्फ है उसको चेक करती है कि उसमें वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट। तो स्प्लीन भी एज अ फैगोसाइटोसिस काम करती है, अगर ऐसा कोई फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट होता है लिम्फ में तो उसको किल कर देती है। सो ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि लिम्फेटिक वेसल्स कैसे हमारे बॉडी में स्कैटर्ड हैं। सो ये है लिम्फेटिक वेसल्स जो कि हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड हैं। सो ये सबसे पहले जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो टिश्यू से लिम्फ को लेकर आती हैं एंड देन वो किस में मर्ज हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स में। सो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट होती है, ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, पूरे लिम्फेटिक वेसल्स में स्कैटर्ड होते हैं ये लिम्फ नोड्स। एंड ये लिम्फ नोड्स कई जगह पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रोइंग रीजन हो गया या फिर आर्मपिट्स हो गया, नीज, इन रीजन में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। सो ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये अल्टीमेटली किस में मर्ज हो जाती हैं, थोरेस डक्ट्स में।
सो ये लिम्फेटिक वेसल्स अल्टीमेटली लिम्फेटिक डक्ट्स में मर्ज हो जाती हैं। सो ये लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है? राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को क्या बोलते हैं? थोरेसिक डक्ट। सो इतना क्लियर है कि जो लिम्फ कैपिलरीज है वो मर्ज होकर बहुत सारे लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली सारी ज्वाइन होकर क्या बनाती है? लार्जर लिम्फेटिक डक्ट। सो लिम्फेटिक डक्ट कौन सी होती है? हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। अब ये जो डक्ट है ये अपना लिम्फ किस में एम्प्टी करती है? ये मिलती है वेन्स में। सो ये जिन वेन्स में मिलती है उनको क्या कहते हैं? ये दो वेन्स ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की है, राइट साइड राइट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट साइड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। देन ये सबक्लेवियन वेन किस में ओपन होती है? हार्ट में। सो हार्ट के कौन से रीजन में? राइट रीजन में। सो ये ओपन होती है एंड ये लफ्स ये जो सबक्लेवियन वेन्स है इनके थ्रू जो लिम्फ है वो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। सो टिश्यू से ड्रेन किया था एंड वापस ब्लड में लिम्फ को छोड़ दिया, वापस हार्ट में लिम्फ को छोड़ दिया। नाउ ये क्या है? हमारा हार्ट। सो ये जो वेन्स है वो हार्ट में जाकर एम्प्टी करती है अपने लिम्फ को, जो भी इनमें जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी इसमें हार्ट में इन्होंने एम्प्टी करना है। नाउ ये क्या है ब्लैक कलर का जो मैंने हार्ट के ऊपर ड्रॉ किया है? ये है थाइमस ग्लैंड एंड ये है स्प्लीन। सो स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में बिटवीन स्टमक एंड डायफ्राम। सो ये इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, इस तरह से ये स्कैटर्ड होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? सो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट है टिश्यू ड्रेनेज। सो टिश्यू ड्रेनेज हमने पढ़ लिया कि जो टिश्यू स्पेस में जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सो जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कितना था 3 liters, सो वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू ड्रेन हो जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज उस टिश्यू एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती है एंड देन वापस कहाँ पर जोड़ती है? हार्ट में सर्कुलेशन में। सो टिश्यू से ड्रेन किया एंड ब्लड में वापस छोड़ देती है इस फ्लूइड को, जिसको क्या कहते हैं? लिम्फ। सो अगर ये टिश्यू में फ्लूइड ड्रेन नहीं होगा लिम्फेटिक कैपिलरी से तो क्या होगा? टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्लस जो टिश्यू जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो आर्टरीज हैं एंड उसका जो कैपिलरी एंड है वहां से जो टिश्यू लीक हुआ था टिश्यू फ्लूइड, सो वो फ्लूइड जो लीक हुआ था वो क्या है 20 liters लीक हुआ था लेकिन वापस रिटर्न में कितना गया था 17 liters, तो ये इम्बैलेंस हो गया, ब्लड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया क्योंकि 3 liters टिश्यू स्पेसिस में ही रह गया। सो अगर टिश्यू स्पेसिस का जो फ्लूइड है वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आया तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो उसको भी प्रिवेंट करता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ को वापस ब्लड में छोड़ देता है। देन है सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इम्यूनिटी। सो लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इम्यूनिटी में क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स क्या है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड कुछ मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस को एनकाउंटर करते हैं एंड उसको किल कर देते हैं। सो इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिम्फेटिक सिस्टम का। थर्ड है फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं? फैट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो फैट को एब्जॉर्ब करती हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल फैट को एब्जॉर्ब करती है तब लिम्फ कैसा हो जाता है? व्हाइटिश अपीयरेंस हो जाती है उसकी, उसको बोलते हैं काइल। सो फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है वो फैट को अब्सॉर्ब करती हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रल लैक्टियल्स। सो जो लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेंट्रल लैक्टियल्स, जो कि फैट को अब्सॉर्ब करती हैं। इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।